काम दिल्ली सरकार के थे उसमें वो नहीं कर पाए, वो भी हम केंद्र से करने में जरा भी भेदभाव नहीं किए। ऐसी ही एक जानकारी लेकर आपके सामने आज बैठा हूं। आपको जानकारी होगी सांसद का बजट साल भर का 5 करोड़ रुपया होता है और हम 7 सांसद हैं, 7ों का बजट मिला के 35 करोड़ रुपया हुआ। 7ों सांसद मिला के 35 करोड़। और अरविंद केजरीवाल जी को अकेले दिल्ली को चलाने के लिए मिल रहा है 53,000 करोड़। अब दिल्ली में लड़ाई 35 करोड़ वर्सेस 53,000 करोड़ की है, फिर भी अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि 7 सांसद हमको मिल जाएंगे तब मैं दिल्ली का भला कर दूंगा। मनोज जी, इसमें छोटा सा और अकेले मुख्यमंत्री को दिल्ली को बढ़ाने के लिए, सजाने के लिए, गरीबों के लिए, झुग्गी के लिए, रुतराइज कॉलोनी के लिए, सड़कों के लिए, अस्पतालों के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, सारी जरूरत पानी के लिए 53,000 करोड़। अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि हम 53,000 करोड़ से वो काम नहीं कर सकते जो हम 35 करोड़ से कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर हमने केंद्र स्तर पे कुछ काम किए 5 करोड़ के अलावे हम भी अपनी कोशिश से फंड ला सकते हैं स्टेट के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, और अरविंद केजरीवाल जी भी ला सकते हैं। वो भी अगर उनकी नियत अच्छी होगी तो किसी मिनिस्टर के पास जाएंगे, अच्छे संबंध बनाएंगे, तो हमेशा केंद्र सरकार एक्स्ट्रा बजट भी स्टेट्स को देती है। अब वो कितना कर रहे हैं ये तो आप सबको पता है, लेकिन हमारे केंद्र के मंत्री बुला बुला के अभी पीछे नितिन गडकरी जी ने लगभग एक 2200 करोड़ का यमुना जी को सफाई के लिए फंड दिया, बुलाया क्या, आओ भाई आओ बैठो साथ में, हम ये दे रहे हैं। ये हमारी केंद्र की नियत है, नरेंद्र मोदी सरकार की नियत है। लगभग 1.5 साल से हम उनको ये बताते रहे कि हमारा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली ट्रैफिक रूप से बहुत कंजेस्टेड है, हमें इसके लिए आपकी विशेष मदद की आवश्यकता है। और नितिन गडकरी जी ने आज हमें वो पत्र भेजा है जो मैं निश्चित रूप से मीडिया के साथ शेयर करना चाहूंगा, वरना क्या पता हम नहीं बोलेंगे तो बाद में अरविंद केजरीवाल जी कहेंगे ये भी हमारा ही है, हम ही लाए हैं। ये पत्र आपके सामने, ईस्ट के लोगों के ट्रैफिक कंजेशन को और वहां से बागपत जाने के लिए, सहारनपुर जाने के लिए, देहरादून जाने के लिए, अक्षरधाम से निकलते हुए शास्त्री पार्क, पहला पुस्ता, दूसरा पुस्ता, तीसरा पुस्ता, चौथा पुस्ता, ये जो चिट्ठी लिखे हैं वो आपको मैं सुनाना चाहूंगा पढ़ के। डियर मनोज जी, I have received your request on number of occasions for taking up development of Akshardham, Gita Colony, Shastri Park, Khajuri Khas, Delhi UP border, Shamli, Saharanpur Road on priority basis. I am glad to inform you that I have approved development of Akshardham, Gita Colony, Shastri Park, Khajuri Khas, Delhi UP border section of this road under Bharat Mala for decongestion of Delhi. मेरे जीवन में ये पत्र इतना important है मेरे साथियों, मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू की तरह है। इन्होंने उसमें लिखा है, पर्टिकुलर्स भी लिखे हैं, अक्षरधाम से गीता कॉलोनी, शास्त्री पार्क, खजूरी खास, दिल्ली यूपी बॉर्डर लगभग 14.5 लेंथ इनके 14.75 जी, ये किलोमीटर में ही होगा ना, हाँ किलोमीटर में ही होगा, मैं इतना खुश हूं कि और
इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट मैंने टोटल अगर हम बात करें तो लगभग 155 किलोमीटर का लेंथ 4,405 करोड़ रुपए की लागत से नितिन गडकरी जी ने हमको ये सैंक्शन कर दिया और इसका टेंडर प्रोसेस भी हो गया। हम 26 जनवरी को इस सड़क का शिलान्यास करने जा रहे हैं।